ग्रैबर्स व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं नवीद अहमद, आप नवीद विलेज ब्लॉग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा जनाब, आज मैं बात कर रहा हूँ जो सिद्धू मूसेवाला मर गया था, कत्ल कर दिया गया था 29/5/2022 को। एक साल हो गया कल तो मर गया, ख़त्म हो गया, बना हो गया। लेकिन हमारे जो मेरे बहन भाई हैं मुसलमान, ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, और बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं, कोई ब्लैक डे कह रहा है। क्यों यार, था कौन वो हमारे लिए? क्या था वो? कुछ नहीं था हमारे के फायदे में बंदा था वो, ब्लैक डे फलां 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 फलां। यार हमें तो नफरत होनी चाहिए उससे। ये बात सही है कि पहले जब वो मरा था मुझे भी लगा था यार उसके साथ ज्यादती थी, ये गलत था इंसान, और सही इंसान था, उसके साथ गलत किया गया, कत्ल कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये पता चला कि उसने मतलब गाने में एक जुमला अदा किया है, वो सब जानते हो आप लोग भी, ठीक है, और फिर जानकर भी सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं जी उसने फलां के बारे में कहा था, वो जी अफ़गानिस्तान में एक मोहम्मद खान था तो उसके बारे में कहा था, ठीक है। चलो जी एक लम्हे के लिए यहाँ रुक जाते हैं कि उसने मोहम्मद खान के बारे में कहा था। मोहम्मद खान कौन था? मुसलमान था। और सिद्धू कौन है? सिख है, सिख। तो हमारे लिए एहतराम मुस्लिम का भी ये शायद हक है कि जी हम मोहम्मद खान वाली साइड पे हों, सिद्धू वाली साइड पे ना हो, ठीक है। ये यहाँ रुक गए। और दूसरी बात ये कि उसने जो जुमला अदा किया है कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जी फलाना किया, तो अब वो हुजूर के बारे में बात की जा रही है। यार कोई हया को हाथ मारो, कोई ज़मीर नहीं है तो आपका, यार खुदा का नाम नहीं, ज़मीर नहीं है आप लोगों का, कैसे यार जी रहे हो, बल्कि साइड ले रहे हो उसकी के जी उसने जी मोहम्मद खान के बारे में कहा था। एक मिसाल है, मेरा नाम नवीद है तो मतलब मोहम्मद नवीद मैं लिखता हूँ, तो नवीद मेरा नाम है ना, वो मोहम्मद तो नस्बत है ना हजूर पाक से। यार क्यों नहीं समझते आप लोग, बल्कि सफाइयाँ दे रहे होते हो जी वो जो फलां के बारे में कहा गया है। यार कोई बात है करने वाले, कोई खुदा का नाम ले यार, कोई हया करे। ब्लैक डे तुम्हारे लिए कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो नहीं है, मुसलमानों में कहीं जुल्म हो रहा है वो आप लोगों के लिए ब्लैक डे नहीं होता है। सिद्धू सिख मर गया, वहाँ कोई मुसलमान थोड़ी ना, वो मर गया, ख़त्म हो गया, फना हो गया, हमें उससे क्या। उसने एक जुमला अदा कर दिया, उसने कह दिया ना, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तुम लोग कहेंगे तुम कौन हो ये कहने वाले, कोई आलिम हो? मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरा ज़मीर तो यही कहता है कि उसने कह दी बात, बात कर दी, बस लानत भेजो सिद्धू पे, ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आती थी, किसी मसनद आलम दीन से पूछ लें आप, ठीक है, उससे पूछ कर फिर जो मर्जी करें, मसनद हो, ठीक है, कोई ऐमे कोई लल्लू पंजू गली का क्या कहते हैं लोफर ना पकड़ लेना, आलिम पकड़ना, ठीक है, उससे पूछना कि भाई ये बात है तो हम क्या गलत तो नहीं है, और आप गलत है या नहीं है फिर पता चल जाएगा, ठीक है। लानत भेजता हूँ मैं सिद्धू पे, ठीक है। यार को खुदा का नाम ले कि स्टेटस छोड़े हुए आपने, नो माइक है तो किसी ने स्टेटस नहीं लगाए थे कि पाकिस्तान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कमाल करते हो यार। लानत भेजता हूँ मैं सिद्धू पे, ठीक है, स्टेटस लगा रहे हैं जी। क्या था वो? सिख था, हम मुसलमान हैं हम। अगर वही बात है कि जी उसने मोहम्मद खान का जिक्र किया, तो एहतराम मुस्लिम में भी हमें मोहम्मद खान वाली साइड पे होना चाहिए, सिख वाली साइड पे नहीं होना चाहिए। वो तो एक रहेगी बात की बात, पहली बात तो हजूर पाक है ना, ठीक है। जब हजूर पाक के बारे में बात कर दी गई तो बात खत्म, ठीक है। लाना तो सिद्धू है,